गढ़वाल विश्वविद्यालय भारत के इतिहास का एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका जन्म जन आंदोलनों से हुआ है। इस बात से समझा जा सकता है कि इससे युवाओं के भविष्य ही नहीं गढ़वाल के लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। 1971 का वो दौर आज भी गढ़वाल के किसी भी बुजुर्ग को बरबस याद आ पड़ता है जब महिलाएं भी घर का चूल्हा चौका छोड़कर सड़कों पर उतर आई थी। ऐसा नजारा उसके बाद सिर्फ उत्तराखंड आंदोलन में ही देखने को मिला। 2 साल तक चले इस आंदोलन ने उस समय देश की बागडोर संभाल रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खुद श्रीनगर आने के लिए मजबूर कर दिया और यूनिवर्सिटी के गठन का ऐलान उन्हें करना पड़ा। ये वो दौर था जिसने समूचे पहाड़ के दिल और दिमाग पर एक ही लगन पैदा कर दी थी और वो थी उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की मांग। यदि नहीं खुले शिक्षा के द्वार तो बंद रहेंगे बदरी के द्वार, ये वो नारा था जो उन दिनों हर बच्ची की जुबान पर चढ़ा था। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत बिरला कॉलेज में 4 नए विषयों की शुरुआत को लेकर हुई, जिसके बाद इसने विश्वविद्यालय बनाओ आंदोलन की दिशा ले ली और अस्तित्व में आई उत्तराखंड विश्वविद्यालय संघर्ष समिति, जिसके बैनर तले इस आंदोलन को गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। इसमें जिस व्यक्ति की मुख्य भूमिका थी वो स्वामी मनमथन थे। इसके अलावा स्वर्गीय विद्यासागर नौटियाल, कुंज बिहारी नेगी वीरेंद्र पैनुली, स्वर्गीय अवध बिहारी पंत, कॉमरेड कमला राम नौटियाल, प्रेमलाल वैद जो कि समिति के अध्यक्ष भी थे, ऋषि वल्लभ सुंदरियाल, जगदम्बा प्रसाद भतुड़ी, कैलाश जुगरान, ये वो सारे नाम हैं जिनकी वजह से आज श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी खड़ी है। 16 सितंबर 1971 को समिति ने गढ़वाल बंद का ऐलान किया और पौड़ी कमिश्नरी के 48 दफ्तरों को घेर लिया, जिसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इस आंदोलन का असर कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी को खुद श्रीनगर आना पड़ा। दरअसल उन्हें कांग्रेस के एक सम्मेलन में भाग लेना था, लेकिन इससे पहले उन्हें आंदोलनकारियों से वार्ता करनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का आश्वासन भी दिया। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के इतिहास को देखकर ये समझा जा सकता है कि संघर्षों से जन्मे इस विश्वविद्यालय से लोगों का रोजगार और भविष्य ही नहीं भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, देहरादून।